बिहार में करीब 4000 असिस्टेंट प्रोफेसरों की होगी बहाली, इसमें पहली बार महिलाओं के लिए होगा 35% आरक्षण का प्रावधान। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को भी मिलेगा इसका लाभ, साथ ही नए प्रावधानों के अनुसार 10% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी आरक्षित होंगी। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी ने कहा है कि इसमें आरक्षण के सभी नियमों का पालन कराया जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक कॉन्टेक्टलेस सैनिटाइजेशन कैबिनेट विकसित किया है, जिसे कोरोना से बचाव को लेकर विकसित किया गया है। यह उपकरण करेंसी नोट, लैपटॉप, मोबाइल फोन, चेक आदि को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित करेगा, मतलब इसे सैनिटाइज करेगा। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज जावेद मियादाद अपने मुल्क को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए एक बीड़ा उठाया है। इसके लिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनका सहयोग करें। उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए एक बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने आवाम से आह्वान करते हुए कहा है कि हर माह लोग इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसा डालें, ये मुल्क के लिए जरूरी है। आज से रेलवे टिकट का बुकिंग हो गया है शुरू, लगभग 50 दिनों के बाद कल से ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि रेल मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक 12 मई को नई दिल्ली से ट्रेन खुलेंगी। दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी 5 ट्रेनें, सभी 30 स्पेशल गाड़ियों का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन के बीच रेलवे की ओर से पहली बार पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से लोग यात्रा कर सकेंगे। रेलवे ने बीते दिन इस बात की घोषणा की थी कि मंगलवार से 15 शहरों के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के बीच भारतीय रेल ने यात्री सेवाओं को शुरू करने का निर्णय किया है। भारत के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए पहले से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में अब हर एक बर्थ पर एक ही यात्री सफर कर सकेंगे। भारतीय रेल धीरे धीरे कुछ यात्री ट्रेन सेवाओं की शुरुआत करने जा रही है। मौजूदा श्रमिक स्पेशल ट्रेन वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर सामान्य रूप से चलती रहेंगी। बिहार में मिले कोरोना के 7 नए मरीज, मुजफ्फरपुर में भी 3 नए मरीज मिलने की सूचना, सूबे में आंकड़ा पहुंच गया है 714। बिहार में कोविड 19 का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। रिकॉर्ड 85 नए केस सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल कल कायम हुआ था। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। नए अपडेट के अनुसार 7 नए केसों की पुष्टि कर दी गई है। इस बीच मुजफ्फरपुर से भी 3 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि की गई है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 717 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जानकारी दी है, 7 नए मामले सामने आए हैं, 3 पटना जिले के हैं। पटना के अथमगोला से 45 और 60 साल के 2 पुरुष मरीज मिले हैं, जबकि बेलछी से 45 साल का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। भागलपुर के लोधीपुर से 21 साल का एक युवक मिला है। सुल्तानगंज से 40 साल का एक नया व्यक्ति सामने आया है। इसी तरीके से गोपालगंज, विजयपुर से भी सामने आया है मरीज। मुजफ्फरपुर से भी 3 नए मरीज सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर के बेनीवा से खबर मिल रही है, पुलिस ने यहां बड़ी कार्रवाई की है। 534 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया है। 3 पिकअप समेत 2 बाइक भी जब्त किए गए हैं। बताया जाता है कि गायघाट पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गायघाट के बेनीवाद ओपी के पुलिस ने कांटा मालाही चौक से बीती रात छापेमारी की और 524 कार्टून विदेशी शराब बरामद की। इस मौके से 3 पिकअप एवं 2 बाइक भी जब्त किए गए हैं। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी है। ओपी के प्रभारी राम विनय ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अथा ओपी एवं पियर थाने की पुलिस ट्रक का पीछा कर रही थी और तीनों थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वैशाली के गरोल में NTPC कांटी ने गरीबों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। बच्चों को बिस्किट एवं टॉफियां दी गई। लॉकडाउन को लेकर विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों ने गरोल में गरीबों का भोजन एवं सेवा का बीड़ा उठाया है। राशन का वितरण किया जा रहा है। इस कड़ी में NTPC मुजफ्फरपुर के कांटी के द्वारा लोधीपुर पंचायत में 400 गरीबों को राशन, साबुन और मास्क आदि का वितरण किया गया। भाजपा नेता शिवशंकर सिंह चौहान के पहल पर NTPC कांटी ने यहां आकर खाद्यान्न का वितरण किया। लॉकडाउन में कई अवैध रिश्तों को खुलासा हो रहे हैं। पति एवं पत्नी के बीच गैर मर्द या औरत के साथ अनैतिक संबंध का पर्दाफाश भी हो रहा है। ऐसे ही एक मामले आरा में खुलासा हुआ। यहां एक महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। प्रेम संबंध के इस मामले में पुलिस वाले भी हैरान हैं।
उलझन में पड़ गए हैं। पुलिस इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है। मामला आरा जिले के नवादा थाना क्षेत्र इलाके की है। यहां चंदवा के रहने वाले एक शख्स के साथ दो बच्चे की मां फरार हो गई। यौन शोषण समेत कई अन्य मामलों में फरार चल रहे धनबाद के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस विधायक की तलाश में पिछले दो महीने से लगातार छापेमारी कर रही थी। विधायक का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस से बचते बचते आखिरकार सोमवार को भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। पिछले 16 फरवरी से पुलिस उनके घर पर गिरफ्तारी को लेकर दस्तक दे रही थी, लेकिन ढुल्लू महतो हमेशा फरार होने में कामयाब हो जाते थे। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 7 दिन के अंदर प्रवासियों को बिहार लाया जाएगा। टेस्टिंग स्पीड बढ़ाने का भी लक्ष्य तय किया गया है। बिहार से खबर मिल रही है, कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कोरोना महामारी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। बड़े फैसले लिए गए, जिसमें 7 दिनों के अंदर अन्य राज्यों में फंसे वैसे बिहारियों को राज्य वापस लाने का निर्णय किया गया। साथ ही इसके इंतजाम करने को कहा गया है जो बिहार वापस लौटना चाहते हैं। पटना में बीएमपी जवान कोरोना पॉजिटिव हुए, बिहार में आंकड़ा पहुंच गया 724। बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए ताजा अपडेट के मुताबिक बीएमपी में कुल 8 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह बीएमपी 14 से जुड़े हुए। शेखपुरा में डीएम इनायत खान ने आदेश जारी किया है, जिले के किसी भी नागरिक को कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन एक नया फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि 54 पंचायत के सम्मानित मुखिया पंचम वित्त आयोग की राशि से मास्क और साबुन का खरीदारी करेंगे। सभी मुखिया अपने क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को 4 मास्क एवं 1 साबुन निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए 20 रूपए साबुन एवं 80 रूपए मास्क क्रय करने के लिए दिया जाएगा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया है। मास्क का क्रय जीविका के माध्यम से किया जाएगा। जिला मुख्यालय शेखपुरा में बाहर से आए लोगों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर योग और गीत संगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है। इस कार्य में सरकारी अधिकारी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अभ्यास मध्य विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर अंचलाधिकारी रविशंकर पांडे ने कोरोना गीतों को लेकर कराया हौसला बढ़ाया। वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत भी इस मौके पर मौजूद रहे। लगातार अधिकारियों की टीम भी यहां पहुंच रही है और विभिन्न तरीके से यहां मौजूद लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, ताकि कोरोना जैसे संक्रमण को हंसते खेलते झेला जा सके। देश भर में कोरोना महामारी के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल थे। सूत्रों का बताना है कि सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चली, जिसमें कोरोना वायरस से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह 5वीं बैठक है। बैठक में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रीफ किया सभी मुख्यमंत्री को। केंद्र सरकार की गाइडलाइन को गंभीरता से लागू करने को कहा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के वरिष्ठ सूत्रों का बताना है कि मजदूरों के पलायन और सड़कों पर भीड़ की आशंका को देखते हुए यूपी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। मुजफ्फरपुर के गायघाट में राजद नेता अर्जुन राय ने गायघाट के शिवदाहा पहुंचकर थर्मल स्क्रीनिंग किया। मीडिया में खबर आने के बाद वे गांव में पहुंचे। राजद के सिपाही अर्जुन राय मीडिया में खबर आने के बाद शिवदाहा गांव पहुंचे। घर घर जाकर उन्होंने युवा वृद्ध बच्चे सभी का थर्मल स्क्रीनिंग मशीन से जांच की।